हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, आधुनिक भारत का। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिखों के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में। सिख गुरुओं के इतिहास को अगर देखें हम तो 10 गुरु थे, तो उन 10 गुरुओं के बारे में हम धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले थे वो गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी से हम स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक जी के बारे में बात की जाए तो 1469 से 1539 तक थे, यानी 1469 से 1539 तक ये थे। अगर इनके बारे में, गुरु नानक जी के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि लोअर एग्जाम के लिए हो सकता है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये सब चीजों को हम देख लेते हैं। तो जो इनका जन्म हुआ था इनका तलवंडी में, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु जो हुई थी वो थी करतारपुर, जिसे डेरा बाबा भी कहते हैं, जो अभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के साथ चल रहा था, जो इस साल भर पहले था कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया जा रहा था, करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला जा रहा था, ताकि वहां पे सिख जो है, सिख अनुयायी जाके वहां पे करतारपुर साहिब कॉरिडोर में के थ्रू वो जाके करतारपुर में जाके दर्शन कर सके। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी गुरु नानक जी की, वो हुई थी करतारपुर में। इसके अलावा इनके पिता का नाम था कालू जी, इनके पिता का नाम कालू जी, इनकी माता का नाम था तृप्ता, इनके पिता का नाम कालू जी एंड इनकी माता का नाम तृप्ता था, एंड इनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी, और इनकी उपाधि हजरत रब्बुल मजीद, हजरत रब्बुल मजीद। तो ये बेसिक चीज है, उपाधि इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है कि उपाधि इनकी थी हजरत रब्बुल मजीद की। इसके अलावा ये बाकी चीजें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, कि जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी, करतारपुर में हुई थी, इनकी उपाधि क्या थी हजरत रब्बुल मजीद थी, इनके पिता का नाम कालू जी, इनकी माता का नाम क्या था तृप्ता, इनकी पत्नी का सुलक्षणी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लिए। इसके अलावा गुरु नानक जी के बारे में देखा जाए, ये तो इजी हो जाएगा कि इन्होंने नानक पंथ की शुरुआत की थी। गुरु नानक, तो यहां से नानक पंथ की शुरुआत करने वाले कौन थे, गुरु नानक जी थे, यानी इन्होंने नानक पंथ की शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट इनके में ये है कि इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। गुरु नानक जी किसके समकालीन थे, इब्राहिम लोधी के, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते, इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। इसके अलावा और देखा जाए तो इन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाए, और जो लहना थे उन्होंने गुरु अंगद के नाम से गुरु का पद धारण किया, नहीं, इन्होंने लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया और वो गुरु अंगद के नाम से गुरु बने। तो गुरु नानक जी के बारे में बेसिक चीजें हम देख लें, जो प्रिलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे गुरु अंगद के बारे में, 1539 से 1552 तक। गुरु अंगद जो थे 1539 से 1552 तक, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खादुर में अपनी गद्दी बनाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खादुर में इन्होंने गद्दी बनाई थी। इसके अलावा बात किया जाए तो गुरु नानक जी द्वारा जो चलाई गई थी लंगर व्यवस्था, लंगर व्यवस्था को इन्होंने नियमित किया था, जो लंगर व्यवस्था थी लंगर व्यवस्था को नियमित किया, नियमित किया। इसके अलावा गुरु अंगद के नाम पे गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक, जो गुरुमुखी लिपि थी उसके आविष्कारक भी गुरु अंगद को ही माना जाता है, यानी गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक भी माने जाते हैं।
तो गुरु अंगद के बारे में तीन चीजें इम्पोर्टेंट थी कि खादुर में इन्होंने गद्दी बनाई, लंगर व्यवस्था को इन्होंने नियमित किया और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। इसके बाद जो थे गुरु अमरदास, इनके बारे में देख लेते हैं। गुरु अमरदास 1552 से 1574 तक, यानी 1552 से 1574 तक ही थे। गुरु अमरदास के बारे में बात की जाए तो ये अकबर के समकालीन थे, जो अकबर थे सम्राट अकबर मुगल सम्राट उसके समकालीन थे, यानी ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास के बारे में बात की जाए तो इन्होंने गोविंदवाल में एक अपनी गद्दी स्थापित की थी, इन्होंने गोविंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की थी। गोविंदवाल में एक बावड़ी का निर्माण किया, बावड़ी मतलब कुआं होता है, तो गोविंदवाल में इन्होंने बावड़ी का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता था कि इस कुएं का पानी जो भी पीता उसके सभी रोग दूर हो जाते, यानी अगर आपने कुएं का पानी पिया तो आपकी सारी डिजीज दूर हो जाएगी, तो ऐसा मान्यता थी। तो गोविंदवाल में इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया, ऐसा कहा जाता है, जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गोविंदवाल में इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया। इसके अलावा इन्होंने नियम बनाया कि लंगर में भोजन के बिना कोई भी गुरु से नहीं मिल सकता, यानी अगर आपको गुरु से मिलना है तो सबसे पहले आपको लंगर में भोजन करना पड़ेगा, तो एक तरीके से लंगर को इन्होंने कंपल्सरी कर दिया। इसके अलावा अगर अमरदास की बात किया जाए तो अकबर स्वयं इनसे मिलने आए थे, हालांकि अकबर से पहले कि इन्होंने अपने उपदेशों पर, जो गुरु अमरदास जो थे, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति की थी, यानी अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास से मिलने, गुरु अमरदास से मिलने अकबर स्वयं आया था, गोविंदवाल आया था, और अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम पर कुछ जमीन भी दी थी। अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम पर कुछ जमीन भी दी थी। इसके अलावा अमरदास ने अपने शिष्य, जो बाद में दवाद भी हो गए थे उनके, रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया, रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अमरदास के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पता चला कि अकबर के समकालीन थे, इन्होंने गोविंदवाल में अपनी गद्दी बनाई थी, गोविंदवाल में इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया था, बावड़ी में कुआं, ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं का जो भी पानी पीता है उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि अगर गुरु से मिलना है तो आपको लंगर में भोजन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति भी की थी। इसके अलावा अकबर स्वयं इनसे मिलने गोविंदवाल आया था और इनकी बेटी यानी अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन भी की थी। और अगर बात किया जाए तो अमरदास ने अपने शिष्य व अपने दामाद रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो इस तरीके से अमरदास भी कंप्लीट हुई। अब अमरदास के बाद आते हैं रामदास, गुरु रामदास 1574 से 1581 तक, 1574 से 1581 तक गुरु रामदास ये भी अकबर के समकालीन थे, यानी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी, यानी जो इनकी बीवी थी बीवी भानी उनको जमीन कुछ नाम की थी, तो 500 बीघा जमीन क्या थी इन्हें दान में दी थी, 500 बीघा जमीन इनके नाम की थी और यहीं पे इन्होंने अमृतसर नामक नगर बसाया था, यहीं पर अमृतसर नामक नगर बसाया था। हालांकि अमृतसर का नाम पहले क्या था, रामदासपुर था, हालांकि अमृतसर का नाम पहले रामदास। अब नगर निर्माण करना है, अगर नगर निर्माण करना है तो नगर निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होगी और धन इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपने अनुयायियों को भेजा कि आप जाइए अब धन इकट्ठा करके ले आइए। तो इनके अनुयायियों को क्या कहते थे, रामदासी कहते थे,
यानी इनके अनुयायियों को रामदास जी कहा जाता था। इसके अलावा रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु के पद को पैतृक बना दिया, यानी इन्होंने अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बनाकर गुरु के पद को पैतृक बना दिया कि अब गुरु का पद जो होगा उनके पुत्र ही अब लेंगे। तो इस तरीके से रामदास के बारे में कंप्लीट हुए। रामदास के बाद अर्जुन देव के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अर्जुन देव के बारे में बात किया जाए तो 1581 से 1606 तक अर्जुन देव का थे गुरु। अर्जुन देव इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, यानी इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इसके अलावा अर्जुन देव ने दो तालाब का निर्माण करवाया था, एक का नाम था अमृतसर और दूसरे का नाम था संतोषसर। तो इन्होंने अमृतसर व संतोषसर नामक दो तालाब का निर्माण करवाया था और अमृतसर के तालाब के मध्य, जो अमृतसर तालाब का मध्य था, 1589 में इन्होंने हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। हरमिंदर साहब जिसे आज के टाइम में हम गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कहते हैं, तो 1589 में इन्होंने हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था अमृतसर तालाब के मध्य में। 1589 में अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया, जो आज का गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से आप जानते हैं। हरमिंदर साहब की जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियां मीर ने आधारशिला रखी थी। इसके अलावा इन्होंने दो नगर का भी निर्माण करवाया था। दो नगर कौन कौन थे? तरन तारण एवं करतारपुर। तरन तारण एवं करतारपुर नामक दो नगर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा व्यास नदी के तट पर, इन्होंने गोविंदपुर नामक नगर भी बसाया था। अर्जुन देव ने गोविंदपुर नामक नगर भी बसाया था, काफी व्यास नदी के तट पर। अब इन्होंने भी अपने अनुयायियों को भेजा था ताकि नगर निर्माण के लिए धन की आवश्यकता जो है उसे पूरा किया जा सके। तो अपने अनुयायियों को भेजा, और जो अपने अनुयायियों को भेजा था उन्हें कहते थे मनसद और मयूरा, यानी इनके अनुयायियों को कहते थे मनसद और मयूरा। इसके अलावा और बात की जाए तो इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लगा दिया। अर्जुन देव ने बोला कि अनिवार्य यानी आध्यात्मिक कर अनिवार्य है, और बोला कि भाई हर आदमी को अपनी आय का 1/10 भाग यानी अपनी आय का 10वां भाग गुरु को अर्पित करना पड़ेगा ताकि गुरु उस 1/10 भाग का यूज कर सके अपने हिसाब से धार्मिक कार्यों में। यानी 1/10 भाग गुरु को अर्पित करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी, 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी गई, यानी खुसरो को इन्होंने समर्थन दिया तो जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी। और इसके साथ ही यानी ये फांसी के साथ ही सिख गुरुओं और मुगलों के बीच यानी एक तरीके से शत्रुता शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले दोनों के बीच मित्रता थी लेकिन इनके बाद से दोनों के बीच शत्रुता शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमने गुरु अर्जुन देव के बारे में पढ़ लिया। तो हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें हमने चार गुरुओं के बारे में पढ़ा था, गुरु नानक जी के बारे में, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास और गुरु अर्जुन देव यानी पांच गुरुओं के बारे में हमने डिस्कस कर ली। अब अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम अगले पांच गुरुओं के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।